और इस वक्त की बड़ी खबर राजकोट से आ रही है। राजकोट के एक कोविड अस्पताल के आईसीयू में आग लगने की वजह से कोरोना वायरस के 5 मरीजों की मौत हो गई। शिवानंद हॉस्पिटल के आईसीयू में ये आग रात करीब 1 बजे लगी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। ये बड़ी खबर राजकोट से आ रही है, आपको बता दें। और इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी दिशा इस वक्त हमारे साथ जुड़े। जी दिशा, इस पूरे खबर में ज्यादा अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, ये जो हादसा है वो रात को 12:30 बजे शिवानंद के कोविड हॉस्पिटल में हुआ, जो राजकोट की सिटी में है, जो गुजरात में आता है। ये हादसा कैसे हुआ? इनिशियल इंक्वायरी के हिसाब से 12:30 बजे अचानक से आईसीयू वार्ड के अंदर, जहां पे 11 मरीज कोविड के एडमिट थे, वहां पे अचानक से एक ब्लास्ट हुआ। उसके बाद अचानक से आग लगी जिसमें 5 मरीजों की जलकर मौत हो गई है। तो जो 11 मरीज आईसीयू में थे उसमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, ये इनिशियल इंक्वायरी के हिसाब से समझ में आ रहा है। हॉस्पिटल में कुल 33 कोविड के पेशेंट्स थे। विजय रूपानी जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने ये पूरे हादसे में प्रोब जारी किया है, इंक्वायरी इनिशिएट किया है कि ये कैसे हुआ, हॉस्पिटल में क्या फायर फाइटिंग सिस्टम की कमी थी या ब्लास्ट हुआ, क्या वजह है, अभी तक वो कॉज पता नहीं चल पाया है, वो इंक्वायरी में सामने आएगा। जी दिशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपने दर्शकों को बता दी, ये बड़ी खबर राजकोट से आई, एक कोविड अस्पताल में आग लग गई जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई।